हाँ जी मैडम, अंकल वो एक लॉप्रामाइड, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफिनाइल, डीफिनाइल, डीमिथाइल, हाइड्रोक्सिन, पेपरडाइन, बटामाइड, मोनोहाइड्रोक्लोराइड देना। है लूज मोशन का दवाई। अरे मैडम को टट्टी लगी है, लॉप्रामाइड दे दो। कितने हो गए भैया? 23 रुपए। 23 रुपए? किस बात की 23 रुपए? आपकी 6 रुपए की चाय, 15 की सिगरेट और 2 रुपए की चुटकी। 6 रुपए की चाय, एक मिनट। एक एवरेज चाय के कप में 1 चम्मच चीनी, 20 ml दूध और 30 ml पानी होता है, और चीनी होती है 60 रुपए किलो की। अगर 1 चम्मच चीनी में एवरेज 15 ग्राम चीनी आती है तो चीनी का हो गया करीब 9 पैसे, और 20 ml के हिसाब से दूध हो गया 80 पैसे का, और पानी तो आप नाले से उठाते होंगे, और चाय का कप हुआ 50 पैसे का, और आपकी मेहनत के 1 रुपए लगा लीजिए, तब भी चाय का मैक्सिमम हुआ 2 रुपए 50 पैसे, और आप 6 रुपए लगा रहे हो। गणित नहीं आती क्या? बीविंग के 302 में रहता है ना तू? हाँ बेटा, अगर तेरे पापा को बता दिया ना कि तू यहाँ पे खड़े होकर सिगरेट के फूक के मारता है, तो सारी गणित गण में से निकल जाएगी। 50 रुपए 23 रुपए सामान के, और 27 रुपए तूने बकचोदी की ना खड़े होके उसके। निकाल भैया, आप तो बुरा ही मांगे। चल निकल। टीवी इस दीवार पर ठीक रहेगा। पापा आपने 8th में पढ़ाई की है ना, तो ये काम ना फिजिक्स वाले पे छोड़ दीजिए। टीवी की लंबाई 45 इंचेस और दीवार की लंबाई लगभग 5 मीटर। अगर इस दीवार पे ये टीवी लगाए तो राइट साइड में 5 इंच छूट जाएगा। और दूसरी बात, मम्मी अगर किचन से टीवी देखेगी तो उनका व्यूइंग एंगल बनेगा 45 डिग्री, और लाइट सीधी सीधी 30 डिग्री पर पड़ेगी। मम्मी को लाइट क्लियर दिख सकते हैं। अरे आप हटिए ना, अगर इस दीवार पर लगाए तो, पर एसी की आवाज सीधे आपके मुंह पर आएगी, आपको सर्दी हो सकती है। हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे ना हम टीवी लगा देंगे और गर्मी के टाइम पे ही खिड़की खोल के हम ताजी हवा खा सकते हैं, पर हवा के साथ तो मच्छर भी आएंगे। नहीं नहीं ये ठीक है। फैंटास्टिक, मिल गया टीवी का लोकेशन। पापा टीवी यहां लगेगा। भैया ये गाड़ी क्यों रोक दी? अरे भैया ट्रैफिक बहुत ज्यादा है आगे। अच्छा हाँ वो तो है। अच्छा वैसे आपको एक बात पता है, इस दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम कहां लगा था? नहीं भैया मुझे नहीं पता यार। नहीं पता? बीजिंग चाइना। अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम कहाँ लगा था? मुझे नहीं पता यार भैया, आप ही बता दीजिए यार। यार आपको इतना सा भी नहीं पता, ये तो बहुत छोटी सी बात है यार। बीथल न्यूयॉर्क 1969। अरे यार भाई जब सब कुछ आपको पता है तो क्यों पूछे जा रहे हो बार बार मुझसे? अरे आप तो बुरा मान गए। अच्छा मोहनजोदड़ो सभ्यता की स्थापना कब हुई? यार इस सभ्यता का करूँ क्या मैं? आईफिल टावर किसने बनाया? मुमताज शाहजहां की कौन से नंबर की बीवी थी? चंद्रयान मंगल पर कब पहुंचा? आपके सर पर कितने बाल है? इस गाड़ी में कितने टायर है? स्टेपनी गिनना तो भूल ही गए ना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को क्या चटाई? आप मेरी माँ के मामा के लड़के हुए तो आप मेरे क्या हुए? और पाकिस्तान की माँ का? चुप, बिल्कुल चुप। अगर आपकी बार कुछ भी बोला ना तो गाड़ी सीधा ठोकूंगा। अरे भैया आप तो ठोकने ठोकाने की बात करने लगे। बस एक लास्ट सवाल, ये चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? अब तू बता चंद्रमा पे दूसरा कदम किसने रखा था? अबे जिसने पहला कदम रखा दूसरा भी उसी ने रखा होगा ना, वो लंगड़ा था क्या बे? अंकल आपने MBA नहीं किया है ना, इसीलिए आपको बिजनेस करना नहीं आता। अब सामान बेचने से पहले कस्टमर को खरीदना पड़ता है, आपकी लैंग्वेज में बोले तो अपना बनाना पड़ता है। अरे मेरी छोटी सी दुकान है, उसमें कहां मैं MBA देखने जाऊंगा? लो कर लो बात अंकल, आपको तो बिजनेस और प्रमोशन में भी अंतर नहीं पता। अरे भाई तू अपना पैसा दे और निकल ले यहां से ना। कमाल करते हो अंकल आप, बिजनेस सीखे बिना अगर बिजनेस करोगे ना तो ये छोटी सी दुकान भी बंद हो जाएगी। अरे भाई तेरे पैसे भी नहीं चाहिए, तू जा यहां से। चल देख रहे हो आप, ये तमीज है आपकी बात करने की कस्टमर से?
आप फीडबैक फॉर्म दीजिए, मैं अभी रिव्यू देता हूँ। अरे फीडबैक फॉर्म निकलता है यहाँ से कि मेरे बेटे को बुलाऊं? अच्छा, तो आपका बेटा ये दुकान संभालता है, ठीक है, बुलाओ। क्या बात है भाई?